शराबबंदी की मांग को लेकर रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया द्वारा साक्षी गोलचक्कर पर एक दिवसीय धरना व प्रदर्शन किया गया। उनका नेतृत्व जिला अध्यक्ष हेमा घोष कर रही थी। पिछले 6 तारीख को हमारे नरेंद्र मोदी, हमारे पीएम जो नरेंद्र मोदी साहब एंड हमारे झारखंड सरकार को हमने नम्र निवेदन किए थे कि हमारे झारखंड राज्य से शराब मुक्त किया जाए, लेकिन आज लगभग 15 दिन गुजर चुकी है। 15 दिन गुजरने के बाद भी आज कोई पहल नहीं दिखने पर आज हमारे पार्टी के बैनर तले हम एक दिवसीय धरना कर रहे हैं। इस धरना में दोबारा हम नम्र निवेदन करने जा रहे हैं हमारे भारत सरकार, झारखंड सरकार सभी को जल्द से जल्द आने वाली दुर्गा पूजा, छठ पूजा, हर एक त्यौहार को देखते हुए हमारे झारखंड राज्य से शराब मुक्त करवाने का कृपा करें। एक के बाद खबरों में फिर से आपका स्वागत है। प्राउटेस्ट यूनिवर्सल द्वारा 22 सितंबर को शहर में सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा, जिसमें समाज में भेदभाव को दूर करने का प्रयास किया जाएगा। इस मौके पर आचार्य विमलानंद अवधूत विशेष तौर पर मौजूद रहेंगे। उक्त जानकारी प्रेस वार्ता के जरिए दी गई। भारत में हो और पूरा प्रशासनिक ढांचा आर्थिक प्रजातंत्र के मातहत उसी के तादात में बने, जिससे समाज का सर्वांगीण विकास हो, प्रगतिशील विकास हो। अभी समाज का जो विकास का जो रुख है वह कैपिटलिस्टिक है, पूंजीवादी है, और प्रशासन का जितना कुछ ढांचा है वो पूंजीवादी व्यवस्था को ताकत देने के लिए है। मूलतः जो सबसे गरीब हैं उनकी सारे भारत के जितने निवासी हैं उनका मिनिमम नेसेसिटी, खाना पीना, रहना, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, इस सब की गारंटी होनी चाहिए। ये आर्थिक प्रजातंत्र का पहला स्लोगन है और इसको इस्टैब्लिश करने के लिए पूरी के पूरे ढांचा को परिवर्तित करना पड़ेगा। आजसू के जिला अध्यक्ष सपन सिंह देव ने कहा कि वरिष्ठ नेता चंद्रगुप्त सिंह के हमलावरों की गिरफ्तारी में विलंब हो रही है। वे संवाददाता सम्मेलन को संबोधित कर रहे हैं। सचिव का जानलेवा हमला हुआ था, जिसमें जिला प्रशासन ने आज अखबार के जरिए हम लोग को पता चला कि 8 व्यक्ति का नाम को चिन्हित किया है, उसमें 3 व्यक्ति को उन लोगों ने अरेस्ट किया है। इसके लिए हम लोग आजसू पार्टी की तरफ से जिला प्रशासन को साधुवाद देते हैं उनके अच्छे काम के लिए, लेकिन साथ में हम लोग ये भी अपील करते हैं कि बाकी जो 5 लोग बचा है उसको भी अविलंब गिरफ्तारी हो, साथ में इसमें जो राजनीतिक साजिश करता है उसका भी नाम का पर्दाफाश हो। मानगो में यूथ इंटक की बैठक में नए युवाओं को संगठन से जोड़ा गया और कुछ नई जिम्मेदारियां भी सौंपी गई हैं। जिला अध्यक्ष रियाज खान ने सभी का स्वागत किया। इस मौके पर राज्यसभा सांसद प्रदीप कुमार बालमुचू और पूर्व जिला अध्यक्ष रविंद्र झा भी मौजूद थे। प्रदेश के अध्यक्ष हमारे राज्यसभा सांसद डॉक्टर प्रदीप कुमार बालमुचू और हमारे जिला के प्रखंड के तमाम पदाधिकारीगण आज यहाँ उपस्थित हैं। ये इंडस्ट्रियल टाउन है जमशेदपुर, यहाँ पर बहुत सारी मजदूरों के हक में समस्याएं आए दिन जो है उत्पन्न होती है, जिसका जो पुरजोर तरीके से हम इंटर कांग्रेस के नेतागण उसका मुकाबला करने के लिए, लड़ने फिरने के लिए, उनका मजदूरों का दुख दर्द सुनने के लिए हम उनके लिए सक्षम है, उनकी लड़ाई हम लड़ेंगे। विभिन्न राजनीतिक दलों के बड़ी संख्या में युवाओं ने जेपीपी का दामन थामा है। एक औपचारिक कार्यक्रम में जिला अध्यक्ष कृतवास मंडल ने उनका स्वागत करते हुए कहा कि आने वाले दिनों में पार्टी और संगठन को मजबूत बनाएंगे और ज्यादा से ज्यादा संख्या में युवाओं को जोड़ा जाएगा। फ्रेंड्स यूनियन आज संगठनिक स्थिति को मजबूत बनाने के लिए अपना कमर कस चुकी है और 2019 के विधानसभा चुनाव की भी तैयारी के लिए वो अपना कमर पूरी तरह से कस चुकी है, और जिसके चलते आज झारखंड पीपुल्स पार्टी की लोकप्रियता को देखते हुए आज कई कार्यकर्ताओं ने झारखंड पीपुल्स पार्टी और आयसू का दामन को थामा। वर्ल्ड डिफ डे के मौके पर कदमा स्थित आर्ट स्कूल में लॉयंस क्लब द्वारा मुकबधिर बच्चों के लिए चित्रांकन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में 50 से ज्यादा बच्चों ने भाग लिया। Thank you.
सेलिब्रेशन का आयोजन हमने करी है टू सेलिब्रेट वर्ल्ड डेफ डे। आप सभी जानते होंगे कि सितंबर का जो आखिरी महीना है, आखिरी सप्ताह है, उसे डेफ वीक के हिसाब से मनाया जाता है। उसमें हम लोग चाहते हैं कि जितने भी हमारे हेयरिंग इम्पेयर्ड बच्चे हैं, जो मुँह कन बधिर हैं, उनके लिए कुछ ना कुछ कार्यक्रम आयोजित कर उनका हौसला अफजाई की जाए।